हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूं पंकज प्रजापति। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे इस छोटे से बोर्ड की वायरिंग, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। मैं आपको दिखाता हूं इसका पीछे से लुक। ये पीछे से कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसकी वायरिंग शुरू कर रहा हूं। हाँ गाइस, पहले आपको सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा लेना है छोटा सा। फिर आपको यहाँ पर पिन के नीचे वाले सॉकेट के अंदर ये डालना है। इस तरीके से आपको यहाँ से स्क्रू एकदम टाइट कर लेना है। फिर इसको यहाँ पर स्विच का ऊपर वाले से नोजल में डालना है। फिर आपको यहाँ से ये कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको एक बड़ा सा वायर लेना है इस तरह से, उनको इन सॉकेट के इधर डालना है। इस तरह से डालना है। फिर ये स्विच के नीचे वाले के अंदर तार डालना है। दोस्तों, ये हमारे बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपको ये दो तार दिख रहे हैं, मेन के तार है। मैं बोर्ड आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा अभी। देखो, ये बोर्ड की पिन मैं यहाँ पे डालूँगा, फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे दो तार डालूँगा। ये मैं सीरीज बोर्ड, इसलिए यहाँ से ऑटोमेटिक बल्ब चल जाएगा। ये देखिए, इस तरह हमारा बोर्ड कंप्लीट हो जाता है और बोर्ड की वायरिंग भी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, हमारा बोर्ड अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं इस बोर्ड को ऑफ कर रहा हूँ वापस। और ये पीछे से कुछ इस तरह दिखता है। मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको मिलता हूँ मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी लेके।